मुख्यमंत्री भगवंत मान दे हुण एक होर मंत्री ते सवाल ने, एक कथित ऑडियो ते बवाल है। ए मंत्री ने फौजा सिंह सरारी जिन्हां दे एक करीबी दे नाल गलबात दी ऑडियो वायरल हो रही है, इल्जाम गंभीर ने। मान दे मंत्री जिस सवाल तो भज रहे ने उन्हां दी कथित ऑडियो बारे है, क्योंकि फौजा सिंह सरारी दी कथित ऑडियो ने पंजाब दी सियासत च उबाल लिया दिता है। विरोधियों ने इल्जाम वाले तीर दागे ने, पहला मामला जान लवो। फौजा सिंह सरारी दी करीबी नाल गलबात दी कथित ऑडियो आई है। इस ऑडियो च मंत्री अते उन्हां दे करीबी सौदा करन दी गल करदे ने अते मंत्री ते कॉन्ट्रैक्टर्स तो पैसा इकट्ठा करन दी ब्योत बनाउंदे इल्जाम ने। मेरी गल होई सी ओ कहंदे भी इंदे विच जिहड़ी टीएफएससी है उहदा भी हत्थ है, उहनूं हिस्सा जांदा है। मैं कहा मैनूं इह दस भी असीं जे फड़ाउणा होवे माल आप ही कहिए फिर। मैं वो मांग लेना डिटेल हो भी कुंदा मतलब की हुँ मांग लो ते सेक्टरी मार्केट कमेटी आ रहा है, वो तो वैसे ना नासवान बनी है। क्योंकि वो चीज आ रहा है, ये आ रहा है। अच्छा क्या नाम पूछे, ये बेचवी पाएगा ना ते अपना वो सौदा सौदा करा दो करोड़ा पास। सौदा तो उन्होंने आप ही कर लेना जी, जे आप सौदा करना है तो उन्होंने उस वे कह देना है। वो मैं आइडिया ले लेना फिर शर्मे तो, जे आप फड़ लें छड़निया हो देंगे सौदा ही करना हो रहा। फिर तुसी फिर चुप ही रहो, फिर कर लेने शर्मा आपे वेचे गई है, आप होर मान लो वो तो वेचे गई है, फिर इन्हू पा लांगे इन भेद दे देंगे। शर्मा आपे करेगा जी, क्यों तुम टेंशन लेंगे। मुंशी मुंशी ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਰਾਹ ਆਪੇ ਵਿਖਾਏਗੀ। ਅਪੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜਨਗੇ ਉਦੋਂ ਜੇਬ ਸਿੰਘ ਕੋਦੀ ਦੀ ਡੀਆਰ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਆਰ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੱਸੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਲਾਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਪਾ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਾ ਵਧਾਈਏ, ਭੇਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡੀਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਪੀ ਪੀ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੀਆਰ ਉਹ ਕੱਟੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਟਾਂਚਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਅੱਛਾ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਰ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। एक मंत्री सवाला जाए ते एक मंत्री ने मान सरकार दी इमानदारी दी दलील दे के दुध दा दुध अते पानी दा पानी करन दा भरोसा दिता है। पर जदों तक इस मसले दा सच सामने नहीं आ जांदा, मान सरकार ते सवालां दी वाछड़ रुकण वाली नहीं है। क्योंकि सरकार दे सब तो वड्डे दावे यानी कि इमानदारी ते उठे सवाल सरकार दे अक्स लई चंगे नहीं ने। फिलहाल हुण समां इक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद कथित ऑडियो दे उपर गरमाई सियासत नूं जाणांगे।
फौजा सिंह सरारी की वायरल कथित ऑडियो तो बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। विरोधी धिर ने मुख्यमंत्री भगवंत मान तो स्पष्टीकरण मंगे है। सरकार ने भी कहा कि कोई भी भ्रिष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा मुताबक हाले वायरल ऑडियो की जांच हो रही है। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी दी लीक हुई ऑडियो क्लिप नाल मान सरकार लई नवां संकट खड़ा हो गया। खुराक ते सप्लाई विभाग च सौदेबाजी वाल संकेत करदी है कथित ऑडियो क्लिप दे लीक होण मगरों कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी विरोधी धिरां दे निशाने ते आ गए ने। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान अमरिंदर सिंह राजा विड़िंग ने कहा है कि लोग सच जानना चाहुंदे ने, तो उधर बीजेपी वल्लों भी सवाल खड़े कीते गए ने। बीजेपी ने मंत्री साहब ते सरकार दे खजाने नूं चूना लाउण दे इल्जाम लाए ने। की जनता सच्चाई जाननी चाहती है, तो जनता अगर सच छुपाउण की कोशिश होएगी तो सच छुपदा नहीं, वह नंगा हो जाता है, हो के रहता है। देखो सरकार दे पैसे की लुट किदां हो रही है, भी बोरिया चोरी हुई हैं, उहदे पैसे का केस जे ते दबका मारिया यह सुलट जाए तो वह बहुत वधिया है, जे वह ना सुलटे तो फिर असी DFSC नूं बुला के उत्ते परचा करा लेंगे। मैं समझना भी जे भगवंत सिंह मान जर्मनी च बैठे, जे वो ईमानदार होवे ते इमीडिएटली इस मंत्री नू बर्खास्त करे, बाहर कढे ते केस करे, क्योंकि सरकार दे खजाने नू चूना लाया, लोकां दीआं जमीनां नू मलण लई ते तुर पए, लोकां दे नाल उहनां नू ते फड़ फड़ के अंदर देण दी गल कर रहे आ। ते जदों इहनां ने विजय सिंगला जिहड़ा इहनां दा अपना मंत्री सी, उह सब इक ड्रामा सी, एक इन्हां ने की कहिंदे ना स्क्रिप्ट लिखी हुई सी, भी पता सी हिमाचल दीआं इलैक्शन है, पता सी गुजरात दीआं इलैक्शन, असीं कहांगे भी जी वेखो साडी तां इन्नी है भी असीं जीरो मनी टॉलरेंस है, असीं तां फड़ के अपने मंत्री नूं अंदर देता तां उहनूं बरखास्त करता, कुछ नहीं होया। भगवंत सिंह मान बराबर दा दोषी है, ये क्योंकि ये चीज कली तुसीं ये ना सोचो भी चीफ मिनिस्टर साहब नूं नहीं पता है, कि सब पता है इंटरनली की हो रहा, इन्हां दे MLA की कर रहे ने, इन्हां दे MLA कित्थों पैसे लै रहे ने, ये सारा कुछ जिहड़ा है ये तो 5-6 महीने दे विच जाहर हो गया। ये दूजा मंत्री है, ये जदों लाइन लगी ये सारे इहो काम कर रहे ने। श्रोमणी अकाली दल दे जनरल सकत्तर बिक्रम सिंह मजीठिया ने इस मामले दी CBI जांच मंगी है। इल्जाम लाया कि भ्रष्टाचार नूं लैके CM मान अते केजरीवाल दोहरे मापदंड अपना रहे ने। अकाली दल दे इन्हां इल्जामां ते आम आदमी पार्टी ने भी तिखा पलटवार कीता है। मगर फौजा सिंह सरारी साहब ने ता मार्कफेट दे 2.5 करोड़ दे गबन नूं सरकारी खजाने नूं चूना ला के उहदे च हिस्सेदारी, पता कि चूना लग्या, पता कि चोरी होई है, ओदे चे रल मिल के उस चूने चो उस ठगी ठोरी चो पैसे कमाउण दी गल कर रहे। इतों वड्डी सरकार दे खजाने नाल धोखाधड़ी दिन दिहाड़े लुट केड़ी होर हो सकती है। आई डिमांड एक्शन, मैनू आस कोई नहीं कि एक्शन करनगे, इसलिए CBI दी इनक्वायरी होवे और सच झूठ का निपटारा होवे। सरकारी खजाने की लुट जो ए सो कॉल्ड ड्रामेबाज आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार सरकार कर रही है, एदी किड्डे कट्टर ने या ए फट्टर हो गए है, ये गल इतों स्पष्ट हो रही। अज जिहड़े दौर चो पंजाब गुजर रहा, जे कंगाल कीता सारा अकाली दल ने कीता, लुट के खा गए वह ਕਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਘਟਾਲੇ, ਕੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘਟਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਤਾਂ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਣੀ ਕੇ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਦੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਕੋਈ SIT ਬਿਠਾਉਣ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਭਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 1,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, 3 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਐਡੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
मान सरकार इमानदारी का राग लापदे नहीं थकती, पर हुण डॉक्टर विजय सिंगला बाद एक होर मंत्री सवालां दे घेरे च ने, लाजम है सवाल पूछे जाणगे। हालांकि सरकार दे मंत्रियों का कहना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। कोई जिहड़ी अजकल बड़े इदां दे सॉफ्टवेयर आ गए भी तुसीं किसे दी आवाज पा दो, किसे दा कुछ जिहड़ा इदां दा करवा लो, उहदे नाल मैनूं लगदा नहीं भी कोई इस चीज ते कोई मैनूं लगदा भी कोई कमेंट करना चाहिए। जे कोई इदां दी गल किसे दी भी हुंदी है, असीं तां पहलां साडी सरकार तां जे देश च जानी इसे करके जांदी है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जिहड़ी करप्शन है ना, असीं आपदे मंत्री ते जिहड़ी है कारवाई कीती, चाहे मंत्री चाहे संतरी, साडी सरकार दा जिहड़ा स्टैंड है बड़ा स्पष्ट है, जो भी करप्शन करूगा किसे लई कोई लिहाज नहीं, यह मान साहब की सरकार है, लोगों ने सानू इसे करके चुनिया क्योंकि लोग सोचते भी ये वक्रे है, लोग इसे करके चुने क्योंकि लोगों ने ईमानदार सरकार बनाई है। सो असी लोगों के विश्वास से असी खरे उतर रहे हैं, तो असी लोगों का विश्वास साढ़े पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान जी कदे नहीं टुटन देंगे। कोई भी इदा की गल होगी ये मैं थोनों विश्वास दवाना, यह ईमानदार सरकार है, किसी न बख्शा जो नहीं जाऊगा जो कोई सबूत सामने। देखिए जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं उस ऑडियो की जांच हो रही है, जब जांच मुकम्मल होगी उसके बाद हम बताएंगे कि वो ऑडियो टेम्पर्ड है, ऑडिट है, ये इसका अभी तक कोई पता नहीं, उसकी जांच हो रही है। जो भी जो बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, जो भी कोई दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पहले नहीं हमने बख्शा, आगे भी नहीं बख्शेंगे। करप्शन के अगेंस्ट, प्लीज लेट मी, करप्शन के अगेंस्ट, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हमारा बिल्कुल स्पष्ट स्टैंड है कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, चाहे हमारा हो या किसी और का, उसको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जर्मनी गए ने, कुछ दिन तक सीएम मान वापस पंजाब आउणगे, अजे इच सुभाविक है कि किसी भी कार्रवाई तो पहला मुख्यमंत्री दी उड़ीक रहेगी। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਂਭਰੇ ਨੇ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਚ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 68,343 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10,574 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਹਲਕਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਹਾਇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਪੰਜਗਰਾਈ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 11 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜੇ ਸਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਖਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵੀ ਆ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 35 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਰ ਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਣ। ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਨਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਧਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ।
मैनू उम्मीद है मेरे सारे मंत्री जिहड़े ने वो इमानदारी नाल ते पारदर्शिता नाल काम करनगे। उन्हां महकमिआं नाल उन्हां दे साइन करन नाल जे किसी दे घरां दे विच चुल्हे दी अग बलदी है मैनू उम्मीद है कि असीं वो करांगे। मैनू मेरी कैबिनेट ते माण है। देखो देखो साडे कोले 92 ने जी, 92 दे 92 हीरे ने जी, किसी नूं मैं घट नहीं अंकदा। पर जिम्मेवारियां मिलणगियां भविख च, भी मिलणगियां बहुत वड्डियां वड्डियां जिम्मेवारियां साडे एमएलएआं नूं भी मिलणगियां। जिहड़े एमएलए ने पहली बार जितते ने चाहे दूजी बार जितते ने वो इहदा कोई फर्क नहीं। असीं पंजाब दे लोकां ने सानूं बहुत वड्डियां उम्मीदां रख के सानूं भेजिआ ते मैं उहनां उम्मीदां ते पूरा उतरन दी हर संभव कोशिश करूंगा, आखिरी सांह तक कोशिश करूंगा। इन्हां तमाम दावियां दे विच सीएम मान अपने एक मंत्री नूं भ्रष्टाचार दे इल्जामां कारण मंत्री मंडल चों बरखास्त कर चुके ने। हुण सवालां दे विच फौजा सिंह सरारी ने उन्हां ते इल्जाम है। ऑडियो क्लिप की प्रमाणिकता की जांच करना ते मुद्दे की तह तक जाना अजे बाकी है, पर इस विच कोई शक नहीं है कि सरारी के भ्रष्टाचार के इल्जामां बाद पार्टी का ईमानदार अक्स हिमाचल ते गुजरात चोणां तों पहला मुड़ धुंधला हुंदा नजर आ रहा है। हुण एक होर ब्रेक लई रुकदे आं ते ब्रेक तो बाद मान सरकार दे एक होर मंत्री दी गल करांगे जो हुण मंत्री मंडल दे विचों बरखास्त ने। डॉक्टर विजय सिंगला भ्रिष्टाचार के इल्जामों तो बाद मुख मंत्री भगवंत मान ने इन्हों मंत्री मंडल दे विचों बरखास्त कर दिता सी। डॉक्टर विजय सिंगला ते भ्रिष्टाचार के इल्जाम ने भ्रिष्टाचार के मामले विच मान सरकार अपने मंत्री खिलाफ भी कार्रवाई कर चुकी है। डॉक्टर विजय सिंगला इन्हां नूं पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट जमानत दे चुकी है। करीब 1.5 महीना जेल विच बिताउण बाद डॉक्टर विजय सिंगला जमानत उपर बाहर ने। डॉक्टर विजय सिंगला नूं भ्रिष्टाचार दे इल्जामां हेठ 24 मई नूं गिरफ्तार किया गया सी। सीएम मान ने 24 मई नूं ही डॉक्टर विजय सिंगला नूं मंत्री अहुदे तों बरखास्त कर दिता सी। इल्जामा मुताबक डॉक्टर विजय सिंगला अपने भांजे अते ओएसटी प्रदीप कुमार जरिए करप्शन का खेड खेड रहे सन। सिंगला दे नाल ही प्रदीप कुमार नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया सी। मुख्यमंत्री भगवंत मान मुताबक डॉक्टर विजय सिंगला हर टेंडर विचों 1% कमीशन मंगदे सी। सीएम मान ने दस्या सी कि खुद डॉक्टर विजय सिंगला ने गुनाह कबूल किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के हुक्मां ते डॉक्टर विजय सिंगला खिलाफ कार्रवाई हुई सी। मोहाली दे फेस 8 स्थित पुलिस स्टेशन विच निगरान इंजीनियर राजेंद्र सिंह दी शिकायत उपर केस दर्ज होया सी। डॉक्टर विजय सिंगला खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 दे सैक्शन 7 अते 8 दे तहत FIR होई सी। डॉक्टर विजय सिंगला कोल सेहत ते परिवार भलाई अते मेडिकल सिक्ख्या ते खोज विभाग सन। 19 मार्च नूं विजय सिंगला ने मंत्री अहुदे दी सौं लई सी। 24 मई नूं डॉक्टर विजय सिंगला नूं सीएम मान ने कैबिनेट विचों बरखास्त कर दिता सी। विजय सिंगला ने मानसा हलके तों विधानसभा चोण लड़ी सी अते जित हासिल कीती सी। 1,23,000 वोटां लैके विजय सिंगला ने कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धू मूसेवाला नूं 63,323 वोटां नाल हराया सी। फिलहाल दे लई इन्हां ही देश दुनिया दीआं तमाम खबरां वेखण लई तुसीं वेखदे रहो ABP ਸਾਂਝਾ।